और YouTube चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिमालय के ये एक बहुत ही बेजोड़ प्रोडक्ट के बारे में, जो कि टेंटेक्स रॉयल है। और इसके बारे में मेरी वीडियोस पहले भी हैं। वो क्या है कि जो टेंटेक्स है ये हिमालय ने कई फॉर्मेट्स में अवेलेबल कराया है, जो जिसका टारगेटेड ऑडियंस अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिमालय ने ये टेंटेक्स के कई फॉर्मेट्स बाजार में उतारे हैं। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में, ये है हिमालय का टेंटेक्स रॉयल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंटेक्स रॉयल में क्या जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किन रोगों में ये इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके कितने रिजल्ट्स हैं, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इसकी मात्रा या दवाई की खुराक कितनी है, साइड इफेक्ट्स क्या है, तो डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारे वो दर्शक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हिमालय का टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर के कैप्सूल्स हैं। आइए बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है, यानी इनका कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों, हर एक कैप्सूल के अंदर जो इसमें प्लांट्स एक्सट्रैक्ट जो डाले गए हैं, जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, वो है एक कोकिलाक्ष है, दूसरे इसमें केसर का इस्तेमाल किया गया है, बादाम है और कोखरू है, दूसरे इसमें नागवल्ली है, मूसली है। तो इस तरह से ये जड़ी बूटियां इसमें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल की गई हैं। कुछ में इसको प्रोसेस किया गया है और कुछ में इसको बनाया गया है, कुछ मूल रूप में ही इसमें है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ये करता क्या है और इसका काम कैसे होता है बॉडी के अंदर जाके। तो ये जो हिमालय का टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल है, ये बेसिकली दो बीमारियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं बहुत ज्यादा जोर देके इस बात को कहना चाहता हूं, दो बीमारियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और वो कौन सी है? एक है उनमें ईडी, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत ही आम बीमारी आजकल के माहौल को देखते हुए हो गई है, जो पॉल्यूशन है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, उसमें क्या है कि इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता है या बिल्कुल ही नहीं आता है या बहुत कम आता है। साथ ही उसमें स्टिफनेस की इतनी कमी होती है कि जब इजेकुलेशन होता है तो उसमें जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग नहीं आती है। दूसरे जो टारगेटेड इस दवाई के लिए जो टारगेटेड पेशेंट है वो है लॉस ऑफ लिबिडो, जिसमें इच्छा डिजायर की बिल्कुल कमी हो गई है, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो ध्यान से आप सुन लीजिए, ये दो तरह के रोगियों के लिए है, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रोगियों के लिए है और दूसरे ये है लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि डिजायर की कमी हो गई है। कमी से मतलब ये है थोड़ी से लेके किसी भी लेवल तक की कमी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये दोनों बीमारियां जो है आपस में लिंक्ड हैं। दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं, ताकि आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके अंदर जो गोखरू है वो अपने आप में एक तरह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका प्रीकर्सर है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गोखरू के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी इसमें मूसली है, जो कि एक बहुत अच्छा एंड्रोजेनिक है, यानी कि पौरुष को बढ़ाता है और मन में इच्छा पैदा करता है। तीसरी चीज जो इसमें है वो नागवल्ली है, या पाइपर बिटल उसको बोलते हैं, वो एक तरह से नेचुरल व्याग्रा है, वो वैसो रिलैक्सेशन का काम करती है और जो पीनाइन टिश्यू है उसमें सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये सारे जो इसमें इसका कंपोजिशन है वो पूरी तरह से जब साथ में मिलके काम करते हैं
तो ये परफॉर्मेंस को और डिजायर को पूरी तरह से आपके मॉडरेट कर देते हैं, यानी जो उसका नेचुरल लेवल है उस पे ले आते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसका एक कैप्सूल सुबह में नाश्ते के बाद दूध से या पानी से, और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले पानी से या दूध से लेना है। अगर आप दोनों कैप्सूल साथ लेना चाहते हैं किसी वजह से, तो भी आप एक दिन में दो कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं या फिर डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं। इसका असर आपको, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने पेशेंट्स को दिया है, उसके बेस पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। 100 पेशेंट्स को अगर दिया तो 100 में से लगभग 60 पेशेंट्स ने कहा कि उनको इससे फायदा हुआ है। तो यानी इसका मतलब यह है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। दूसरे, इसके रिजल्ट्स आपको देखने के लिए तकरीबन 1 से 2 महीने तक का वेट करना पड़ेगा, ये बात इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत लंबे टाइम तक ले सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को जब देता हूं तो मैं उनको 3 महीने के बेसिस पर देता हूं, उसके बाद मैं उनको कंपलसरी फॉलोअप के लिए बोलता हूं कि जब 3 महीने आपको ये लेते हुए हो जाए तो आपको मेरे पास आना है। दोस्तों, ये कैप्सूल हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, www.prowellnessmantra.com पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कंसल्टेशन फॉर्म वहां पर दिया गया है, और आप अपनी किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंसल्ट फॉर्म दिया गया है, और वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी एक और वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।